सभी को जी मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। गुड मॉर्निंग जी, हैव ए नाइस डे। सुबह का टाइम हो चुका है जी 5 बजे का, 5:15 बजे का तकरीबन। मैं किचन में आ गई हूँ। और तो मैं पहले ली थी, ना ली थी, मैं अपना पानी पी लिया था और एक क्या नाम चाय बना दी थी। ये मेरे हस्बैंड दूध लेकर आ गए हैं, आज जल्दी ले आए क्योंकि ये फिर सब्जी मंडी में जाओगे, तो बखते ले आए हाँ जी। बट टाइम एवं 5:45 बजे का होया है। मैंने चौक की तैयारी कर दी है, चने मैंने बनने रख दिए हैं। आज चने और पूरी बनाओगे जी, बच्चा की मनपसंद सब्जी, सब्जी और पूरी। मतलब दूध छान दिया है जी, मैं चेक कर लूँ कि कितना काम हो गया कितना नहीं। चने उतार दिए हैं, दूध रख दिया है। अब मैं तेल डाल लूँ जी फ्राई पैन में चौक के लिए। चौक लगाना स्टार्ट कर दूँगी भी। वो है जी जीरा, थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम। ये प्याज और लहसुन काट लेवा, बाद में जीरा भुनने पाचे जी प्याज और लहसुन डालेंगे। छील लूँ मैं जी। जो नए हैं हमारे दर्शक, वह चैनल ने सब्सक्राइब कर सको हो, बेल आइकन ने प्रेस कर सको हो, वीडियो ने लाइक कर सको, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिख सको, अपने प्यारे से विचार व्यक्त कर सको, उन सब व्यविचार। हाँ जी, तो मैं लग गई हूँ प्याज छिलन। ये मेरा बेटा नमी टूट गया है, ये अपने झोली देगा, बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ। मैं इस पर मंडे पोआऊँगी, अगर इसका मूड अच्छा होगा तो पो देगा, नहीं पोए इसने मना कर दिया। चने देख लो जी पके या नहीं पके, थोड़े से कच्चे लग रहे हैं मैंने, थोड़े से कच्चे हैं क्योंकि फिर हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर थोड़े से भी कच्चे रह गए ना तो हेल्दी नहीं हो रहेंगे। तो दोबारा तो इसने मैं रख दूँ, 2 सीटी और लगवा लूँ इसमें। नमी थकी बस होने का नाम नहीं ले रहा है। दोबारा सोने की कोशिश करी थी मैंने, ये फिर तो ऐसे बोला है कि आ जाओ, और बाकी आज कुछ नहीं करा, काम तो घड़े करन लग गया। आस भी देवा है, नाट भी जावा है, खास भी पड़े है, मम्मा भी कह दे है, बेबे भी कह दे है, पापा भी कह दे है, घने चीज कह देवा है। मैं जी दूध रख रखा है, दोबारा चने उबलने रख रखे हैं। इब चौक की कर दी है तैयारी। यो बार मेरे सूट का व्यू देख लो जी, सेकेंड टाइम डाला है मैंने आज यू, कि मैं तो लूज था ही, कि मैं और ज़्यादा लूज होगा कुत्ती पेट पर, तो घड़ा बद गया, जमा भी अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा फिटिंग करनी पड़ेगी। अब आया जी फ्राई पैन का नंबर, बेचारे ने इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब मैं लगा दू हूँ चौक, धीरे धीरे काम करने पड़े हैं एक 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 करके। मैं आटा भी ले आई हूँ जी पूरियों के लिए, अब बेल दूंगी मैं आटा। ढीला आटा नहीं रखेंगे हमने, तो बिल्कुल भी अच्छी पूरी नहीं बने, थोड़ा सा टाइट रखेंगे, करारी करारी पूरी बनेंगी। 2 मिनट के अंदर फटाफट मैं आटा बेल दूंगी, साथ के साथ नमित ने भी देखूंगा, क्योंकि नमित के डैडा जा रहे हैं भाई सब्जी मंडी में, तो मैंने इसलिए नहीं मैनेज करना पड़ रहा है काम भी, और नमित भी गुड़िया ही बस हुए हैं। तो जी मैं कर दूँ आटा बेना शुरू। इतने आटे तो पहले मैं ऑयल डाल दूँगा इसमें कढ़ाई में, इतना ऑयल गर्म हो जाओगा क्योंकि दूध हमारा होने वाला है, तो फिर फ्री होकर चून दे दूँगी, किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाने पड़ेंगे मैंने, बार बार वो नहीं होगा। अब शुरू कर दूँ जी मैं आटा बेना, अब तो काउंट करना आपने, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं दे दूँगी। क्यों जी साथ के साथ मैं नमित न देखो, नमित भाग जावा है बार बार बार। मैं लग रही हूँ जी मैं बिल्कुल जोरो तो मुक्की दे देगा जमा टाइट टाइट। इस बीच जी दूध हो जावा है, मैं फटाफट तो फूक मार मार कर इसने नीचे करो हूँ और अपने दूध की जान बचा लूँ। मैं ऑयल रख दूँ, ये भी वो गर्म हो जाओगा। अब जी दोबारा तो मैं चने देखो निकाल के कि पके या नहीं पके। 2 सीटी और लगा दी थी मैंने इसमें, हाँ जी एकदम पक चुके हैं चने। बच्चा की सब्जी निकाल दूँ हूँ मैं, और जो चौक जो हो गया था यो इसमें मिक्स कर दूँ हूँ।
अब जी हम अपनी पूरी बनाने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका पहले इसने मिर्ची डाल दूँ मैं सब्जी में, क्योंकि बच्चा के निकाल ली मैंने, दोबारा मैं इसमें मिर्ची डाल दूँ। मिर्ची मैंने कूट कर रख रखी है अचार की, डाला सिरका डाल कर ताकि ख़राब नहीं हो, वैसे तो ख़राब हो जावा है, उसने अचार में भी यूज कर लिया है और फिर वैसे खान में भी। ये मैं एक टमाटो सॉस छील दिया मैंने, एक ही डाल दूंगी इसमें मैं, बढ़िया लगेगी सब्जी। अब मैंने जी पूरी बेलनी शुरू कर दी जी, गोल गोल पूरी बनाएंगी बिल्कुल एकदम। क्यों बनाएंगी गोल गोल? क्योंकि एक तो जी ताज़ा चून है और मैंने पूरी बदा कर रख रखी है जी, पहली भगवान का भोग है जी, पहले भगवान के नाम इसने रख दो मैं अलग, बाकी की सारे डोंगे में डाल दी जाऊंगी कि कहीं पजल ना हो जाऊं कि कौन सी पहला बनी थी, इसलिए पहले ही एक मैंने प्लेट में निकाल दी। पूरी जी मेरी सारी फूलेंगी, क्योंकि एक का टेक्निक है पहले आप इन्हें बदा के ना रखो और आटा साथ के साथ बेहो, अगर ज़्यादा शादी वगैरह में बान वगैरह में भी बनानी पड़े पूरी तो एक बात का ध्यान रखो, आटा घनी देर पहले नहीं बेहो, उस टाइम पर बेहो और बेहते के साथ पूरी बनाने लग जाओ। और इसने तेल में डाले पाछे ना थोड़ा थोड़ा सा इस पर तेल डालते रहो, हिलाते रहो पूरी ने, छोड़ो मत उसने, हिलाते हिलाते फिर एकदम तो पलटी मार दो, बिल्कुल गोल करारी करारी बनेंगी, सुपर टेस्टी पूरी है जी, बिल्कुल गोल गोल। ये देखो आपने मैं दिखाऊंगी, यह देखो जी जमा गोल है, वो में पानी आया कि नहीं आया? आया ना जी, ठंडा मौसम है तो फिर बना लो, अपने नहीं था बच्चे की सोच लिया करो, बच्चा के लिए बना दिया करो। धन्यवाद जी वीडियो में बने रहे अंत ही हमारे साथ, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, बाय बाय, राम राम जी।